नमस्कार साथियों, काफ़ी मैसेज लिख के मैं डिलीट कर चुका हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसको भी मैं डिलीट कर चुका हूँ। कारण केवल इतना सा है कि कहीं मेरी नासमझी के कारण इस मुहिम में कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अतः मैं कोशिश करूँगा कि कम शब्दों में अपनी जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, ताकि गलती होने के जो चांसेस हैं वो न रहें। सबसे पहले तो जो मैंने मैसेज किए हैं कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि हमने ये मुहिम है वो शुरू कर दी है, या केवल इसीलिए किया है कि जो साथी आना चाह रहे हैं, जो साथी चाह रहे हैं कि इस मुहिम को जिंदा रखा जाए, वो केवल मैसेज कर रहे थे जिससे कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनका पता नहीं चल रहा था, मोबाइल नंबर आ रहे थे। तो अब कॉलिंग से क्या होगा कि उनके पास में नंबर आ जाएंगे और वो कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, या फिर कब तक पहुंचोगे, या फिर कोई भी जो अपडेट्स लेनी है, या फिर उनको कुछ कहना है, दिशा निर्देश देने हैं, तो वो दिए जा सकते हैं। तो केवल ये एक सजेशन के तौर के ऊपर मैंने किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर कमेटी है वो एक्टिवेट है। अभी हमारी मीटिंग होगी और उसके अंदर हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, और इस बात का फैसला, जैसे कि हमने चंडीगढ़ में गए थे तब भी हमने बोला था कि हमारा काम कितने दिनों में होगा ये हमारी संख्या निर्धारित करेगी। तो इस बार भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप कितने जो साथी हैं वो घर से बाहर निकलने को तैयार हैं, उनकी संख्या ये निर्धारित करेगी कि जो अंकल जी हैं, आत्माराम जी हैं या अन्य जो साथी हैं वो आपके साथ में खड़े रहे, क्योंकि ये हमें भी पता है कि जो पोलिंग होती है वो 50 की होती है, पहुंचेंगे 5। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि जो साथी पोलिंग कर रहे हैं वो सही सही पोलिंग करें, जो आ सकते हैं वही पोलिंग करें। काफी सारे साथियों के कॉल मैसेज आए मोटिवेट कीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पीआरटी की 1300 भर्तियां, टीजीटी की 8000 भर्तियां, पीजीटी की 3000 भर्तियां, जिन व्यक्तियों को ये मोटिवेट नहीं कर पाई उन व्यक्तियों को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। जिन अतः आप लोगों से यही अनुरोध है कि इन भर्तियों की तरफ एक बार देख लेना, अगर आपके दिलो दिमाग में ये आए कि हाँ हमें अध्यापक बनना है, तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा अब तक घर पे बैठे थे अब भी बैठे रह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जो जैसा कि मोमिन सर ने बोला था, जो औरों का रिजल्ट आएगा वैसा हमारा रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। टाइम गया है हमारा, विभिन्न तरह की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो सर्दी, जो सर्दी वाले दिन होते हैं वो भी हमने देखे हैं, गर्मियां हैं वो भी झेली हैं, बारिश है वो भी, तो तीन प्रकार के मौसम हम देख चुके हैं। और जिन भी साथियों ने अब तक हमारा साथ दिया उन सभी का दिल से आभार, लेकिन जब लास्ट मोमेंट होती है उस समय ये नहीं बताया जाता कि मैं 4 बार आया हूँ, मैं 5 बार आया हूँ, उस समय सभी को निकलना होता है। एक्सक्यूज हर बंदे के घर में होते हैं, तो इसीलिए यह जो मुहिम है वो आप लोगों की है, हमारी नहीं है, ये आपकी मुहिम है, आपका हक है। इसे चलाने वाले भी आप हो और इसे बंद करने वाले भी आप हो, न अकेले, चाहे आत्माराम अंकल जी हो, लक्ष्मीकांत हो, ऋषि हो, संदीप हो, मनोज हो, मोमिन हो, या फिर अन्य कोई भी जो साथी हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते, न वो चला सकते हैं न वो रोक सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस मुहिम को चलाते हैं या रोकते हैं। बहुत से साथियों ने कॉल मैसेज करके बोला है तब जो ये मैसेज हैं डाले हैं, ताकि ये न लगे कि हम ये जो मुहिम है वो हमारी तरफ से, कमेटी की कोर कमेटी है उसकी तरफ से बंद हो रही है। अगर आप लोगों की जो संख्या है वो 500 के करीब होती है तो ही जाने का बेनिफिट है, और तो जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको तैयार करने की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन 500 अगर अभ्यर्थी नहीं पहुंचते, क्योंकि 500 के करीब तो हमने 400 के करीब तो हम
नहीं पहुंच गए तब तो हमारा जो कारोबार है उतना बड़ा भी नहीं था, अब तो इतना बड़ा कारोबार हो चुका है तो 500 तो मिनिमम मान के चलिए कि अगर आप पहुंच सकते हैं तो ही कुछ बेनिफिट है। और कुछ एक दो बातें और मैं व्यक्तिगत आप लोगों से करना चाहूंगा कि काफी सारे आपने देखे होंगे सवाल उठे हैं, कुछ सवालों का जवाब है वो मेरे द्वारा ग्रुप के अंदर भी दिया गया, फिर मैंने बाकी के जो सवाल हैं उनको इग्नोर करते हुए लास्ट में एक मैसेज टाइप कर दिया कि जिनको जो जो सवाल हैं वो उठाने हैं या फिर आरोप लगाने हैं वो लगा दीजिए, मैं सभी का जवाब है वो एक साथ दूंगा। तो अभी जवाब देने का समय है वो नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कल जो चैटिंग है वो देखी, मैंने दो ग्रुप की देखी, एक जो ग्रुप ये वाला जिसके अंदर मैं वो इस मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, एक किसी दूसरे ग्रुप की चैटिंग है उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि जिस ग्रुप को क्रिएट किया था उस ग्रुप में जो चैटिंग है उसको पढ़ के थोड़ा सा ढाढ़स बंधा मेरे अंदर, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर जो बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि इस मुहिम को हम कैसे सफल बनाएं, कैसे बच्चों को जोड़ें, कैसे वहां तक पहुंचाएं, कैसे जो जो साथी डिमोटिवेट हो गए हैं, जो कोर कमेटी है वो डिमोटिवेट हो गई है, उन्होंने जो मुहिम है उसको रोक दिया है, खत्म किया है, तो उनको हमारे साथ कैसे लेके आए, जो नकारात्मक बातें हैं हमारे माइंड के अंदर जो विभिन्न तरह के आरोप लगा के या फिर विभिन्न तरह की बातें करके भरे गए हैं उनको बाहर कैसे निकाले। काफी सारे कॉल मैसेज करके थी जो सहानुभूति भरे थे या सुझाव थे वो भी आए, जिससे और ये महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो सही किया है। एक जो दूसरा ग्रुप है उसकी जो चैटिंग है वो काफी सारे जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास आए, जिससे कि मुझे जिसके अंदर केवल जहर ही बोला जा रहा था। तो जिन भी व्यक्तियों को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, सवाल उठने वाजिब हैं, तो उनको भी कहना चाहूंगा, या और जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहूंगा, जो सहानुभूति दिखा रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि ये है समय नहीं है एक बार आरोप प्रत्यारोप का, जैसे ही इसका जो अंत है वो आप लोगों की तरफ से होता है कि क्योंकि कोर कमेटी ने बोला है कि इसका अंत कर रहे हैं, लेकिन जो ये इस ग्रुप के मैसेज पढ़े हैं मैंने तब महसूस हुआ है कि आप लोग नहीं चाहते हो कि इसका अंत हो, आप लोग अभी भी मेहनत करने को तैयार हो और जो साथी हैं जो पहले नहीं आ पाए वो भी आने को तैयार है। इसीलिए यह समय सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं जवाब देने लग गया फिर और आरोप लगेंगे और सवाल उठेंगे, क्योंकि मैं देखे जो सवाल उठे मेरे ऊपर आरोप लगे उनका जवाब एक छोटे ग्रुप में रोहतक वाले ग्रुप में मैं देखे देख चुका हूँ, जैसे ही जवाब दिया तो नए आरोप लग गए। तो इसीलिए ये आरोप आरोप खेलना सही नहीं है, क्योंकि उससे जो दिशा है आप लोगों की वो भटक जाएगी। अभी आप लोग मेहनत कर रहे हो कि मुहिम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सफलता पाई जाए, फिर आप कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा ऋषि सही है, कुछ को लग रहा होगा ऋषि गलत है, तो फिर उनकी जंगशुरू हो जाएगी, या फिर वो हमें चुप कराने में ढाढ़स बांधने में लग जाएंगे कि सर आप ऐसा मत कीजिए, सर नकारात्मक बातों को इग्नोर कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, तो विभिन्न तरह की जो बातें हैं वही चलेंगी। तो इसीलिए फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ बस इतना जरूर कहूँगा जिनको भी आरोप लगाने हैं कृपया करके थोड़ा सा रुक जाइए, जो हमारे साथी अध्यापक हैं वो चाहते हैं इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और जो विजय है वो प्राप्त की जाए, तो इनकी जो मेहनत जो ये कर रहे हैं इनके ऊपर पानी न फेरिए। हाँ आप लोग लिख के रख सकते हो अपने जो भी सवाल हैं, और जैसे ही इस मुहिम में सफलता हासिल होती है कुछ समय पश्चात, तब आप या फिर जो हमारे साथी हैं वो इस मुहिम का अंत करें, तब आप जो सवाल हैं वो इस ग्रुप के अंदर भेज सकते हो, सभी सवालों के जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे, जितने भी आरोप लगे हैं उन सभी के जवाब आपको मिलेंगे, ये वादा है, क्योंकि मैं बातें केवल तथ्यों के आधार पे करता हूँ और जो जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं उन सभी के तथ्य हैं। कुछ आरोप तो ऐसे लगे हैं कि मैं ही क्या ही बताऊं, जहाँ पे मेरी भूमिका 0% है वो आरोप ही मेरे ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करने की ही कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि ये नकारात्मक बातें हैं वो नहीं आए। हौसला है वो बिल्कुल टूट गया था मेरा तो, लेकिन जब आप लोगों के कॉल मैसेज आए और जो ये इस ग्रुप की जो चैटिंग देखी है मैंने एसएमएस देखे हैं, तब थोड़ा सा ढाढ़स बंधा है, लेकिन अभी भी मैं पूर्ण रूप से ये नहीं है कि एक्टिवेट हो जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप लोगों की जो संख्या है मोटिवेट कर पाए साथियों को जोड़ पाए तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितने भी जो
बाकी साथी हैं उनसे भी बात करूं जो निराश हो चुके हैं। कुछ साथियों का तो मतलब स्टेट से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी वो वहां पे जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी दो दो छुट्टियां लेके चंडीगढ़ बैठे रहे, 3 दिन के करीब है वो उन्होंने लगा दिए, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं, सवाल और उठने नहीं शुरू हो गए। तो सभी से अनुरोध है कि सवालों को थोड़ा सा एक बार शांत कीजिएगा और अपनी जो एनर्जी है जो आपको लगानी है वो फिलहाल एक दिशा में लगाइए कि आप लोग किस प्रकार से इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हो, किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हो। फिलहाल जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं हुई है कि आगे क्या फैसला लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे ही हमारी मीटिंग होती है फिर हम देखेंगे कि आपकी जो पोलिंग वगैरह है वो कितनी है, कितने जो साथी हैं वो आने को तैयार हैं, तब हम कोई फैसला लेंगे। और आप लोगों को ये मैं क्लियर बता देता हूँ, चाहे हम अपने लेवल के ऊपर कितनी भी कोशिश कर लें, हम का मतलब जो कोर कमेटी है और जो जितने भी सदस्य हैं वो अपने लेवल के ऊपर कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी बंदों को ले जाए वहाँ पे काम नहीं बनने वाला। कितने का भी मतलब है कि मान लो 100 बंदों को हम जबरदस्ती कॉल वगैरह करके 200 जोड़ लिए हमने, बात नहीं बनने वाली जब तक आप सभी नहीं निकलोगे घर से, वहाँ पे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो बंदे जा रहे हैं उनका होगा तो हमारा हो जाएगा, या फिर वो तो जाए तो रही है उनकी बातें वो मान ली जाएंगी, इतने बंदे जा रहे होंगे उनकी बातें मान ली जाएंगी, हमारा घर बैठे हो जाएगा, मत सोचिएगा ऐसा। क्योंकि जब तक आप सभी बाहर नहीं निकलोगे, कम से कम बोल रहा हूँ 500 बंदे जब तक नहीं होते हो तब तक कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे जाने का, चाहे वो करनाल हो चाहे वो फरीदाबाद हो या फिर चंडीगढ़ हो। चंडीगढ़ से तो आधा रास्ता है करनाल या फिर जो फरीदाबाद है वहाँ का। तो अतः आप लोग एक बार और अच्छे से चिंतन मनन कर लीजिए कि आप लोग